एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास जो रेडिकल की तीसरी टाइप है वो आप देखें, हमारे पास इक्वेशन या क्वेश्चन गिवन होगा वो इस तरह का होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद होगी वो स्क्वायर रूट होगी। तो हमारे पास यहाँ देखें स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर दो रेडिकल्स हैं, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे आप देखें। तो सोल्यूशन में हम इसे पहले ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस ये स्क्वायर रूट में और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल में मौजूद है। तो सबसे पहले आपने इसे सॉल्व करने के लिए एक रेडिकल को दूसरी तरफ लेकर जाए, तो हम एक रेडिकल को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं यानी इसे रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। तो ये याद रखते हैं सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए एक रेडिकल को दूसरी तरफ लेकर जाना जरूरी है, वरना आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम स्क्वायर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर लेने को हम तरफ तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव माइनस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन इसका स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर और यहाँ पर ए स्क्वायर यानी फाइव का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस माइनस टू ए भी यानी टू इंटू फाइव इंटू हमारे पास स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन और ये माइनस टेन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस नाइन स्क्वायर रूट में। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अलावा बाकी वैल्यूज हैं उन्हें एक तरफ लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर तो माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस नाइन इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस नाइन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल और टू एक्स के साथ कैंसिल, तो हमारे पास है माइनस प्लस फोर माइनस ट्वेंटी फाइव और माइनस नाइन। तो इससे जब हम सिंपल बनाते हैं तो ये हमारे पास मिलता है माइनस थर्टी, माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन को एड करें आपस में तो ये माइनस थर्टी फोर मिलता है और प्लस फोर करें तो माइनस थर्टी इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर रूट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। तो टेन को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस के साथ कैंसिल भी रह जाएगा थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास हो जाएगा थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन स्क्वायर रूट में और इसका स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा नाइन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन रह जाएगा। तो जब नाइन को उत्तर देकर जाएंगे तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन माइनस नाइन, तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। यहाँ पर एक्स कॉमन लें तो एक्स प्लस टू रहेगा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो एक फैक्टर करना, दूसरा हमारे पास है एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू। तो ये दो आंसर हमें मिल जाएंगे, चूँकि ये हमारे पास रेडिकल में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी तो इसके दो आंसर आएंगे। फिर भी अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सट्रेनियस रूट नहीं होगा, वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा है यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो जब हम हमारे पास ओरिजिनल है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर ओरिजिनल इक्वेशन हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स
स्क्वायर रूट में तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 और प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 इक्वल टू 5, तो 4 स्क्वायर रूट प्लस 9 स्क्वायर रूट इक्वल टू 5, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 यानी 5 इक्वल टू 5। ये भी ट्रू हो गया। दूसरी वैल्यू है एक्स इक्वल टू माइनस 2, इसे पुट कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 और प्लस हमारे पास है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 9 इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 और प्लस 4 प्लस हमारे पास है 4 माइनस 4 प्लस 9 इक्वल टू 5, तो फिर आ गया 4 स्क्वायर रूट में और 9 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 यानी 5 इक्वल टू 5। तो दोनों सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर वेरीफाई हो गए, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया 0 और माइनस 2। तो इस तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन भी है जिसमें हमारे पास रेडिकल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं। आपने सबसे पहले एक रेडिकल को दूसरी तरफ लेकर जाना है, फिर आपने स्क्वायर लेना है और सिंप्लीफाई करके अगेन स्क्वायर लेना है, इसके दो दोनों जो रूट्स आएंगे वो ट्रू होंगे। अगर आप वेरिफिकेशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 2x + 5 इफ x सेटिस्फाइज हमारे पास है इक्वेशन 4t - 9x स्क्वायर रूट में माइनस 2 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0 है, क्या ये सेटिस्फाई करता है। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2x इज इक्वल टू हुआ माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब हम इसे पुट करते हैं गिवन ओरिजिनल इक्वेशन में जो कि 4t माइनस 9x स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 14 माइनस 9 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू 7 माइनस माइनस 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट में और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो इसे सिंपल करते हैं यानी सिंप्लीफाई करते हैं तो 40 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2 और माइनस 2 इंटू 7 प्लस हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 80 प्लस 45। जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलता है 80 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेते हैं तो मिलता है 2 और यहाँ पर 14 प्लस 5 और यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इंटू 19 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। तो इसे अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो तब भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट फाल्स है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स का जो आंसर है ये एक्सटेनियस रूट है, तो रियल रूट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो है 40 माइनस 9x स्क्वायर रूट में और साथ में है माइनस 2 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा 40 माइनस 9x स्क्वायर रूट में माइनस 2 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 40 माइनस 9x अंडर द स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इसका होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू आ जाएगा 40 माइनस 9x अंडर द स्क्वायर रूट इंटू 2 इंटू 7 माइनस एक्स अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ माइनस एक्स रह जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 9x और प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर
plus 28 और माइनस 4x माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा अगर 9x स्क्वायर को पहले लिखें तो बाद में हमारे पास आ जाएगा जो माइनस 40x है और माइनस 63x से ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो माइनस आ जाएगा 103x और प्लस 28 इज इक्वल टू माइनस x तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जब 40 प्लस 20 ऐड करते हैं तो ये मिलता है 68 और माइनस 13x माइनस 4 डिवाइड बाय जो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट में 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 इज इक्वल टू माइनस एक्स और किया जाएगा हमारे पास माइनस 68 प्लस 13x सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 4 एट आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 अंडर द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 12x और माइनस 68 अब इसे 4 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 103x और प्लस 280 इज इक्वल टू 12x डिवाइड बाय 4 माइनस 68 डिवाइड बाय 4 तो इसे हम जब सिंप्लीफाई करते हैं हमें मिलेगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 स्क्वायर रूट में और यहाँ पर हमें मिलेगा 3x और माइनस 17 अब हम दोनों पर स्क्वायर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो हमें मिलेगा माइनस एंडर स्क्वायर रूट माइनस 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 17 का स्क्वायर तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये रह जाएगा प्लस 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 इक्वल टू 3x का स्क्वायर और 9x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 17 का स्क्वायर और प्लस माइनस आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 17 तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 280 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर और 17 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है 289 के और हमारे पास आ जाएगा माइनस 103x 102x आ जाएगा और हमारे पास 102x आया अब हम सब वैल्यूज ऐड कर लेकर जाते हैं तो 0 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर हमारे पास है माइनस 102 था और ये प्लस 103 हो गया उस तरफ जाकर और प्लस 289 था साथ हो गया माइनस 280 तो ये हमारे पास रह जाएगा 0 इज इक्वल टू प्लस एक्स और प्लस 9 तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स तो ये हमारे पास x की वैल्यू है यानी ये हमारा आंसर है इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया अगर किसी प्रश्न में आपको मसला है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं